आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ इस क्वेश्चन में बोला गया है लिस्ट फोर टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एनिमल्स की तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि जो एनिमल किंगडम के जो मेम्बर्स होते हैं उनके अंदर कौन से टाइप्स के टिश्यूज देखने को मिलते हैं तो टिश्यू जो टर्म है अगर हम इसे इन सिंपल वर्ड्स एक्सप्लेन करें तो टिश्यू बेसिकली क्या होता है एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है और ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं ये क्या करेगा ये परफॉर्म करता है एक सिमिलर फंक्शन यानी कि इन सेल्स के पास एक पर्टिकुलर टास्क होता है जिसे ये परफॉर्म करते हैं तो अब अगर हम इन टिश्यूज़ का क्लासिफिकेशन डिस्कस करें यानी कि अगर हम इनके टाइप्स डिस्कस करें तो इस क्लासिफिकेशन का जो मेन बेसिस है वो बेसिस है फंक्शन जो कि ये डिफरेंट टिश्यूज़ परफॉर्म करते हैं एनिमल्स की बॉडी में तो जो फर्स्ट टाइप का टिश्यू है दैट इज एपिथीलियल टिश्यू जो एपीथीलियल टिश्यू है रेस्ट करता है अपॉन अनदर टिश्यू यानी कि ये ऐसे सेल्स का ग्रुप है जो कि एक दूसरे टाइप के सेल्स के ग्रुप की लेयर के ऊपर प्रेजेंट होता है और ये जो एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं ये मेनली प्रोवाइड करते हैं कवरिंग एंड प्रोटेक्शन यानी कि ये एक तरह से एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाएंगे किसी भी ऑर्गन के बाहर या तो उसकी इनर जो लाइनिंग होती है उसे ये बनाते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो एपिथेलियल टिश्यू है इनके अगर हम ओरिजिन की बात करें तो ये मेनली ओरिजिनेट होते हैं आइदर फ्रॉम दी एंडोडर्म लेयर और दी एक्टोडर्म लेयर ऑफ द एम्ब्रियो उसके बाद जो सेकेंड टाइप ऑफ टिश्यू पाया जाता है एनिमल्स के अंदर दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। और जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ये मेनली क्या करेगा ये बॉडी का बेसिक जो फ्रेमवर्क होता है वो प्रोवाइड कराता है तो हम कनेक्टिव टिश्यू में अपने स्केलेटन को इंक्लूड कर सकते हैं जो स्केलेटन है वो बना होता है हमारी बोन्स एंड कार्टिलेज से और ये क्या है ये हमारी बॉडी का जो बेसिक फ्रेमवर्क है वो परफॉर्म करती है तो अगर हम कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शंस देखें तो ये क्या करेगा ये बॉडी पार्ट्स को लिंक करता है आपस में उसके अलावा ये क्या करेगा ये हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है उसके बाद जो थर्ड टाइप का टिश्यू हमें हमारी एनिमल बॉडी में देखने को मिलता है दैट इज मस्कुलर टिश्यू। जो मस्कुलर टिश्यू है इसका जो मेन रोल होता है दैट इज इन्वोल्व इन मूवमेंट और अगर हम इसका ओरिजिन डिस्कस करें तो ये ओरिजिनेट होता है फ्रॉम दी मीजोडोम लेयर ऑफ दी एम्ब्रियो तो ये हो गया हमारा थर्ड टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू। एंड फाइनली जो फोर्थ टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू हमें देखने को मिलता है इन एनिमल्स दैट इज नोवस टिश्यू जिसे हम न्यूरल टिश्यू भी कहते हैं तो ये जो नोवस टिशू है इसका मेन फंक्शन क्या है इसका मेन फंक्शन होता है टू जेनरेट एंड कंडक्ट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल जिसे हम कहते हैं इम्पल्स यानी कि बॉडी को आपस में कोऑर्डिनेट करने में ये टिश्यू हेल्प करता है तो इसका जो मेन फंक्शन होगा दैट इज बॉडी कोऑर्डिनेशन तो ये हो गए हमारे चार मेन एनिमल टिश्यूज जो हमें एनिमल्स की बॉडी में देखने को मिलते हैं क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मींस और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर